मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। रणवीर सिंह से सुनील ने पूछी सिंदूर की कीमत। हाल ही में रणवीर अपनी फिल्म सिम्बा का प्रमोशन करने सुनील ग्रोवर के लेटेस्ट कॉमेडी शो कानपुर वाले खुरानाज में पहुंचे, लेकिन यहां भी रणवीर दीपिका की शादी की चर्चा छाई रही। रणवीर सिम्बा के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ शो पर पहुंचे। यहां सुनील ने रणवीर से उनकी शादी पर जमकर चुटकी ली। मस्ती के माहौल में सुनील ने रणवीर से पूछा, आखिर आप ही बता दें कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। इसका जवाब रणवीर देते उसके पहले सुनील बोल पड़े, 15 फंक्शन। ये सुनकर डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी चुप नहीं बैठे। वो बोल पड़े, अरे भाई, इन्होंने तो शादी नहीं शादियां की हैं। इटली, मुंबई, फिर बेंगलुरु। सुनील ग्रोवर का शो कानपुर वाले खुरानाज 15 दिसंबर से रात 9:30 बजे प्रसारित हुआ करेगा। शो को होस्ट अपार शक्ति खुराना कर रहे हैं। फिल्म दे दे प्यार दे की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपने कई नए प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी हैं। उन्हीं में से एक है फिल्म दे दे प्यार दे। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस वक्त फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के दौर में है। हाल ही में अब इस फिल्म को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है। दरअसल पहले ये फिल्म 2019 में 22 फरवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन अब ये होली के मौके पर यानी 15 मार्च को रिलीज होगी। ऐसे में मेकर जरूर चाहेंगे कि होली के त्यौहार का उन्हें भरपूर फायदा मिले और वो ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को थिएटर की ओर खींचने में सफल रहें। फिल्म की रिलीज डेट में ये बदलाव क्यों हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ईशा के संगीत में जानवी खुशी का ट्रेडिशनल लुक। 8-9 दिसंबर को कपूर सिस्टर्स मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल हुई। यहां दोनों ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई। दोनों मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर आउटफिट में थीं। इस लुक में दोनों सिस्टर्स बेहद ही स्टनिंग लग रही थीं। जानवी ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, इसके साथ उन्होंने रेड कलर का दुपट्टा कैरी किया था। अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए एक्ट्रेस ने न्यूड मेकअप किया था और डायमंड इयररिंग पहने थे। ये लुक जानवी कपूर पर खूब जच रहा था। वहीं खुशी कपूर की बात करें तो सिल्वर कलर के लहंगे में नजर आई। खुशी काफी खूबसूरत दिख रही थी। उन्होंने लहंगे के साथ हॉल्टर नेक बैकलेस ब्लाउज और एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा कैरी किया हुआ था। लुक को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने भी न्यूड मेकअप किया हुआ था। बता दें कि दोनों बहनें अपनी बॉन्डिंग की वजह से चर्चा में रहती हैं, जहां एक तरफ जानवी धड़क से बॉलीवुड डेब्यू कर सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, वहीं खुशी का अंदाज भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। स्वरा भास्कर के लिए कौन सा काम है सबसे मुश्किल? एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों अपनी वेब सीरीज इट्स नॉट दैट सिंपल को प्रमोट कर रही हैं। ये मेट्रो सिटी में रहने वाली एक शादीशुदा महिला की कहानी है। इस सीरीज में उनके इंटीमेट सीन भी हैं। वेब सीरीज का दूसरा सीजन जल्द ही प्रसारित होने वाला है और स्वरा भास्कर उसके प्रमोशन में पूरी तरह से जुट गई हैं। शादी और तलाक के बीच के ताने बाने में बनी हुई इस कहानी में स्वरा का मानना है कि बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इंटीमेट सीन करना उनके लिए सबसे मुश्किल भरा रहा। हालांकि स्वरा ने बताया कि डायरेक्टर की मदद से वो इसे ठीक से कर पाई। साथ ही स्वरा ने ये भी बताया कि उनके को एक्टर सुमित असल जिंदगी में बहुत ही ज्यादा स्वीट हैं, लेकिन उनके साथ झगड़े का जो सीन था वो करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। स्वरा भास्कर इन दिनों आमतौर पर अपने ट्वीट को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं, लेकिन फिलहाल इस शो को प्रमोट करने की ओर पूरी तरह से जुट गई हैं। उनका मानना है कि लोगों को ये सीजन भी जरूर पसंद आएगा। माँ करीना से मिलने सेट पर पहुंचे तैमूर। करीना को महबूब स्टूडियो में स्पॉट किया गया। इन फोटोज में करीना काफी स्टनिंग लग रही हैं। उन्होंने ग्रीन और ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ है, साथ ही डार्क आई मेकअप किया है। स्टूडियो में तैमूर को भी करीना के साथ देखा गया। तैमूर करीना की गोद में नजर आए, दोनों की बॉन्डिंग देखने लायक है। इस दौरान तैमूर का स्टाइलिश लुक देखने को मिला। उन्होंने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। इन फोटोज में वो काफी क्यूट लग रहे थे। करीना तैमूर से बहुत प्यार करती हैं और उनकी देखरेख का पूरा ख्याल रखती हैं। करीना अपने बिजी शेड्यूल के बीच परिवार के लिए पर्याप्त वक्त निकालती हैं। फ्रॉड सैया बने अरशद वारसी। अरशद वारसी का कॉमेडी अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। वो एक बार फिर अपनी नई फिल्म फ्रॉड सैया के जरिए लोगों को हंसाने आ रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था और अब इस फिल्म का टीजर भी सामने आ गया है। टीजर में अरशद वारसी काफी दिलचस्प अंदाज में दिख रहे हैं। फिल्म में अरशद और सौरभ शुक्ला के अलावा एक्ट्रेस एली अब्राम भी नजर आने वाली हैं। फिल्म के टीजर में अरशद वारसी दूल्हा बने नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है भोला प्रसाद त्रिपाठी। अरशद कहते हुए नजर आ रहे हैं, चुटकी भर सिंदूर और नौकरी की टेंशन हमेशा के लिए दूर। ट्रेलर में वो कई लड़कियों के साथ शादी करते दिख रहे हैं। अब देखना है कि आखिर वो फ्रॉड सैया क्यों कहला रहे हैं। फ्रॉड सैया एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अरशद वारसी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म 18 जनवरी को रिलीज हो रही है। कपिल शर्मा के फंक्शन में मम्मी ने लगाए ठुमके।
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कपिल के घर रस्मों की शुरुआत माता की चौकी से हुई, जिसमें कपिल के पुराने साथी कृष्णा, अभिषेक, सुदेश लहरी, राजीव ठाकुर, सुमोना नाचते हुए नजर आए। कपिल के घर हुए माता के जागरण में सिंगर ऋचा शर्मा ने परफॉर्म किया। इस माता की चौकी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें ऋचा शर्मा के गाने पर कपिल की माँ मस्त होकर नाचते हुए नजर आ रही है। वहीं एक दूसरे वीडियो में कृष्णा और सुमोना नाचते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि सुमोना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल की पत्नी मंजू के किरदार में नजर आती थी। मूवो टीवी चैनल ने लॉन्च किए 3 सीरियल। मूवो टीवी चैनल की 3 महीने की सफलता का जश्न 3 सीरियल हिंदी जीईसी चैनल के पूर्वावलोकन के साथ मनाया गया। मूवो टीवी ने मुंबई में कलाकारों और अतिथि के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। मनीष श्रीवास्तव और नरसी वसुनी ने अपनी नवीनतम 3 धारावाहिक रिटर्न ऑफ स्कूल डेज, अजब सास की गजब बहू और गुजरात भवन का प्रदर्शन किया। साथ ही तीनों सीरियल के कलाकार इस जश्न में शामिल हुए। सोनाली राउत का बोल्ड फोटोशूट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली राउत ने हाल ही में एक फोटो शूट करवाया। इसमें वो बेहद हॉट लग रही हैं। इन बोल्ड तस्वीरों को सोनाली ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। सोनाली अक्सर ही ऐसे बोल्ड और सेक्सी फोटो शूट को लेकर अपने फैंस के बीच छाई रहती हैं। इन फोटोज में कई जगह सोनाली सिर्फ ब्लेजर में पोज दे रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ तस्वीरों में वो न्यूड होकर बेड पर बैठकर पोज दे रही हैं। आपको बता दें कि सोनाली अक्सर अपनी हॉट फोटोज की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। सोनाली बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सोनाली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।